शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के नेता आज हम यहाँ पर राजभवन के अंदर हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो मुखिया हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनसे गुहार लगाने के आए हैं कि 1 जुलाई को जो पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है उस पर जो ऑनलाइन जो 220 रुपये का पंजीकरण वसूला जा रहा है, जो जजिया वसूला जा रहा है, उसको पूरी तरह से निःशुल्क बनाया जाए। इसके साथ ही हमारी मांग है जो आपने यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया है, जिसके अंदर हमारी मांग है कि पंजीकरण को निःशुल्क बनाने के साथ जो यात्री यहाँ पर सड़क मार्ग से पवित्र अमरनाथ यात्रा के दर्शनों के लिए आते हैं, यात्री वाहन, टेंट सेवा देने वाले वाहन या लंगर सेवा देने वाले वाहन, उनसे किसी तरह का टोल वसूली ना की जाए। और तीसरा, बंदर परिसर के अंदर जो टेंट सेवा लगाई जाती है उसको सुरक्षित बनाया जाए। हमें ध्यान है कि पिछले साल भी वहाँ पर जो है हादसा हुआ था, सुरक्षित बनाने के स्थान वो पूरी तरह से वो टेंट सेवा भी निःशुल्क होनी चाहिए। देखिए, हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश में धार्मिक यात्राओं पर सब्सिडियाँ दी जाती थी, आज भी जिस देश के कई राज्य धार्मिक यात्राओं का निःशुल्क आयोजन करते हैं, केंद्र सरकार के तमाम मंत्री हिंदूवादी होने का दावा करते हैं, उसी केंद्र के अधीन जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा होती है जो मात्र 40 से 50 60 दिनों की यात्रा है, वहाँ पर आप जो है ऑनलाइन पंजीकरण के नाम पर 220 रुपये का जो शुल्क वसूल कर रहे हो वो निंदनीय है। उसको पूरी तरह से जो है यात्रा को निःशुल्क बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही हम देश के तमाम धार्मिक संगठनों से अपील करते हैं कि शिवसेना की इस मुहिम को पर आवाज़ बुलंद करें, अपने अपने राज्य के अंदर इस धार्मिक यात्राओं के खिलाफ पूजा या पंजीकरण के नाम पर अगर कोई वसूली हो रही है उसको निःशुल्क बनाने के लिए आवाज़ उठाएं।